हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूज़िक टेक्निकल ज्ञान। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज आपको दीपचंदी लूप्स मिलने वाले हैं, और इसके अलावा हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे। जिन्हें लगता है कि फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ना है वो वीडियो पे बने रहें, बाकी जिन्हें नहीं लगता है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दीपचंदी का, और आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप जा सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिन्हें फ्यूचर में आगे बढ़ना है वो वीडियो पे बने रहें, ठीक है दोस्तों। अब हम सबसे पहले स्टाइलस आरएमएक्स इंटैक्ट की बात कर रहे हैं, तो मन में चल रहा है कि कम्प्लीटली रिदम देगा कौन, यानी जो हमारी म्यूज़िक लाइन के कम्प्लीटली रिदम्स होते हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, स्टाइलस आरएमएक्स या फिर इंटैक्ट। तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि रिदम्स कम्प्लीटली दोनों देते हैं, यानी स्टाइलस आरएमएक्स भी और इंटैक्ट भी। स्टाइलस आरएमएक्स की बात करें हम, तो स्टाइलस आरएमएक्स की लाइब्रेरी 122 जीबी की होती है और इंटैक्ट की लाइब्रेरी 70 जीबी की होती है, यानी 70 जीबी यानी 32 जीबी से लेके 70 जीबी तक होती हैं, यानी 70 जीबी तक, ठीक है। इसके बाद जो है आपके मन में चल रहा होगा कि 122 जीबी स्टाइलस आरएमएक्स की लाइब्रेरी हैं और यहाँ पे इंटैक्ट की 70 जीबी यानी 60 से 70 और 32 जीबी मिलते हैं, ऐसा क्यों। स्टाइलस आरएमएक्स की लाइब्रेरी में आपको इंक्लूड होते हैं जितने भी लाइब्रेरी, उसमें से 60 जीबी ओनली इंडियंस होते हैं, बाकी जितने भी लाइब्रेरी होते हैं वेस्टर्न्स होते हैं, बंगाली वगैरह सभी होते हैं। जो हमारे इंडियंस होते हैं वो क्लासिकल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। क्लासिकल में जैसे कि हम बात करें कि दादरा, कहरवा, भजनी, तीन ताल, एक ताल, जप ताल, तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गुजराती वगैरह वगैरह, तो उसमें लैंग्वेजेस वगैरह डिवाइड हो जाते हैं, जैसे गुजराती डिवाइड हो जाते हैं, बंगाली डिवाइड हो जाते हैं, भोजपुरी डिवाइड हो जाते हैं, उसी तरह इंटैक्ट में भी आपको मिलता है। अब दूसरा सवाल आता है कि सर यहाँ पे दोनों चीज़ें तो सेम हैं, तो फिर फ़र्क क्या है, ठीक। दूसरी हम बात करें कि इसे हम मिडी से प्ले करते हैं इंटैक्ट को, क्या हम स्टाइलस को कर सकते हैं, बिल्कुल स्टाइलस को भी आप जैसे हम इंटैक्ट को कर सकते हैं वैसे ही उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अब आप कहते होंगे कि सर आप बोरिंग कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जो सबसे ज़्यादा फ़र्क है कि आप स्टाइलस आरएमएक्स में 5 BPM से प्लस या माइनस करते हो किसी भी लूप्स को या किसी भी परकसंस को, तो उसके जो क्वालिटी होते हैं साउंड की वो जो है बिल्कुल बिगड़ जाता है। बट यहाँ पे हम बात करें इंटैक्ट की, तो इंटैक्ट में 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 से 50 BPM माइनस प्लस हम कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, ठीक है। यहीं हमें स्टाइलस में 10 से ज़्यादा हम BPM करते हैं तो क्या होता है कि उसके साउंड का क्वालिटी जो है पैनिंग टाइप का यानी ट्रेवल टाइप का हो जाता है, ठीक है। माइनस में हम करते हैं तो बिल्कुल ही बेस आ जाता है, यानी कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, आवाज़ फटने लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेनिफिट सबसे ज़्यादा है और ये जो है यूनिक है, ठीक है। हमें मान लें कि एक लूप्स को जाहिर सी बात है हमें पसंद आ रहा है, तो हम किसी भी BPM पे वो यूज़ हो जाए तो, और मेरा ताल सेट कर रहा है यानी कि जो हमारा बीट गिर रहा है उस बीट पे सेट कर रहा है, ठीक है, तो हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें म्यूज़िक लाइन में ध्यान भी रखना पड़ता है, यानी कि बीट पे गिरना चाहिए, ठीक है, और बीट पे गिर रहा है और वही रिदम हमें फास्ट मिल रहा है, तो ये तो बहुत यूनिक सी बात है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा स्टाइलस आरएमएक्स से इंटैक्ट को अलग बनाता है। दूसरा चीज़ जो अलग बनाता है स्टाइलस आरएमएक्स में, जैसे कि हमने
कोई भी चीज़ें इस्तेमाल किया, जैसे स्टार्टअप इस्तेमाल किया, तो हमें फिलर ढूंढने के लिए कहीं और जाना पड़ता है, लीडिंग पार्ट ढूंढने के लिए कहीं और जाना पड़ता है किसी और फाइल में, ठीक है। और यहाँ पे इंटेक्ट को और अलग जो बनाता है कि यानी कि हम जो ये बटन्स देख रहे हैं कलरफुल जो बटन आप देख रहे हैं आगे, ये बटन जो हैं जितने भी बटन्स हैं इन सभी पे रिदम्स हैं टोटली पे, और इनके जो है जैसे कि बिल्कुल ऐसे हैं कि यानी कि हमने 1-2 करके सेट किया हो कि फर्स्ट हम जब प्रेस करेंगे स्टार्टअप स्टार्ट होगा, और स्टार्टअप के कम से कम 3 ये इतने सारे बटन हैं तो यानी कि इसमें 3 से 4 स्टार्टअप तो होंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपका सॉन्ग उठेंगे वैसे वैसे ही यहाँ पे आपको लूप्स भी आपके बटन्स पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि वोकल्स स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बाद जो है धीरे धीरे स्टार्टअप होने, कई सॉन्ग में साइडी वगैरह होते हैं तो उस टाइप के भी, यानी कि टोटली जो है यानी कि 2-3-4 टाइप का तो आपको स्टार्टअप मिल जाता है, इसके बाद लीडिंग पार्ट मिल जाता है, स्टार्टअप के भी जो हमारे स्टार्टअप होते हैं इसके बाद जब स्टार्टअप और लीड पार्ट को दोनों को जो मैच करता है यानी कि जिसे उठाता है वोकल को सिंगिंग करने के लिए, वहाँ पे जो है उस टाइप का भी रिदम इसमें यानी कि टोटली कम्प्लीटली होती हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी जो मर्जी हो आप ले सकते हो, तो मैं कुछ प्ले करके आपको सुना देता हूँ, ठीक है। और आप ये जरूर देखें कि यहाँ पे जो है मैं सेट जो कर रहा हूँ कि आप कुछ भी ले सकते हैं 2x4, 6x, अभी यहाँ पे ये जो आ रहा है पहले जो हमने इंस्ट्रूमेंट ले रखा है उसे कह रहा है कि आप मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ, तो बिल्कुल ये जो है हमारा पहले से सिलेक्ट है, एक हमने लिया हुआ था, तो हाँ बिल्कुल हम रिमूव कर सकते हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपलोडिंग, और हम करते हैं अब प्ले।